नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। अभी बारिश की लंबी गैप गई है और अब जाके बारिश होने लगी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर कुछ पौधों में हमें कोकड़ापन देखना स्टार्ट हो चुका है। मिर्च की फसल में जहाँ पर आपको कर्लिंग का अंदेशा होने लगा है और कुछ किसान भाई उसको वायरस का नाम भी देने लगे हैं। तो ये किसान भाइयों सिर्फ और सिर्फ मौसम के परिवर्तन के कारण ऐसी समस्या हमको देखने को मिल रही है। और ऐसी स्थिति क्यों होती है, किस कारण से हमारी फसल के ऊपर पत्तियों में कर्लिंग आती है, कोकड़ापन आता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। और साथ ही साथ कौन सी दवाइयों का स्प्रे करने से, कौन से टॉनिकों का ड्रिप से चलाने से हमारी फसल पर सुधार होगा, फायदा मिलेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के अंत तक बने रहें। आज आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। तो ये जो मिर्च की फसल में हमको मुड़े हुए पत्ते जो दिख रहे हैं किसान भाइयों, इनको देखकर किसान भाई एकदम से घबरा जाते हैं और अधिक खर्च करने लगते हैं, महंगी से महंगी दवाइयाँ खेतों में लाकर स्प्रे करने लग जाते हैं। देखिए, दवाइयों का स्प्रे करना जरूरी है, हम समझ सकते हैं कि अगर बीमारी आती है तो हमको दवाई खाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में हम पोषक तत्वों को मिस कर जाते हैं, टॉनिक को मिस कर जाते हैं। जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बीमारी के लिए तो दवाई गोली देते ही देते हैं, लेकिन कहते हैं कि साथ में आपको खाना खाना ही पड़ेगा, और खाना खाने के साथ साथ वो हमको उन दवाइयों के साथ में एक टॉनिक भी देते हैं। तो यहाँ पर किसान भाई हमारे यहाँ तो यही गलती होती है कि हम दवाइयों का स्प्रे तो खूब करते हैं, भरमार करते हैं, लेकिन हम उसके साथ में टॉनिक लाना या पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ देने से हमारे पौधे में और गर्मी बढ़ती है और ले दे के वापिस से उस पर बीमारियाँ बढ़ जाती है। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जितनी महंगी दवाइयों का हम स्प्रे करेंगे उतनी ज़्यादा समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन उसमें सुधार हमको कम देखने को मिलता है। तो हम आपको किसी दवाई का स्प्रे करने से मना नहीं कर रहे हैं, आपको दवाइयों का स्प्रे तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में हमको पोषक तत्वों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले पौधों में पीला पड़ने की समस्या आई थी, पौधे सोयाबीन का हो या मिर्च का हो या कपास का हो पीले पड़ रहे थे। उस समय उसमें एक तत्व फेरस की कमी आई थी जिसके कारण हमारे पौधे पीले पड़ रहे थे, लेकिन कई किसान भाई उसको फफूंद समझ कर फफूंदी नाशक का स्प्रे कर रहे थे। तो अगर हम फेरस का इस्तेमाल अगर स्प्रे में या ड्रिप से कर देते तो हमारे पौधों का पीलापन खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जो कर्लिंग है ये किसान भाइयों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा प्लाट हमारा कर्लिंग से ग्रसित नहीं होता है, कुछ पौधे कर्लिंग से ग्रसित होंगे लेकिन बाकी पौधे काफ़ी अच्छे दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, फूल फल लेके आएंगे, लेकिन कुछ पौधे आपको एकदम कुचली हुई पत्तियाँ दिखेंगी, मुड़ी हुई पत्तियाँ दिखेंगी कुछ पौधे। तो इनमें होता क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, कुछ पौधों में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है जिसके कारण इनके ऊपर जल्दी से कर्लिंग आ जाती है और ये अपना रूप रंग बिगाड़ लेते हैं। तो इन पौधों को देख के हमको बहुत अधिक खर्च नहीं करना है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा किसान भाइयों, अगर कर्लिंग आती है तो कर्लिंग किस कारण से आती है, पौधों के पत्ते किस कारण से मुड़ते हैं, किस कारण से उनमें कोकड़ापन आता है, रस चूसक कीटों के कारण। पौधे हमारे जो क्लोरोफिल है, रस चूसक कीट, इनके अंदर का रस चूस लेते हैं जिसके कारण इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एकदम डाउन हो जाती है, पौधा भोजन नहीं बना पाता, पौधा भोजन न बनाने के कारण इसकी ग्रोथ रुकने लगती है और पौधा हमारा वहीं का वहीं अटक जाता है। तो हमको करना क्या है, कर्लिंग खत्म हो या न हो लेकिन हमको पौधे की बढ़वार लेती रहनी है। अगर पौधा बढ़वार लेते रहेगा, उसकी ग्रोथ होती रहेगी तो उसमें फूल फल भी आएंगे और हमको अच्छा उत्पादन भी देगा। पत्तियाँ एकदम क्लियर हो या ना हो उससे हमको वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन हमको क्या करना है, पौधे की बढ़वार को नहीं रुकने देना है और फूल फलों की संख्या उसमें लाते रहना है। तो लास्ट ईयर भी हमने एक प्रोडक्ट आप लोगों को बताया था, मल्टीप्लेक्स कंपनी का आर्थोसिल है, वो क्या करता है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ा देता है जिसके कारण पौधा की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो नहीं रुकती है, वो भोजन बनाते रहता है और पौधा लगातार ग्रोथ करते रहता है। इसी प्रकार से और भी कई सारे उत्पाद आपको बाजार में मिलेंगे, जैसे जिंक बेस पर मिलेंगे, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस पर मिलेंगे, और भी कई सारी कंपनियों के उत्पाद जो अपने आप में पौधे के अंदर क्लोरोफिल बढ़ाने का काम करते हैं, उस प्रकार के उत्पादों का अगर आप उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि पौधा भोजन बनाना वापस स्टार्ट करेगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी तो पौधे में अपने आप ग्रोथ आएगी, नए फूल भी आएंगे, नए फल भी आएंगे और हमको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा। अभी अगर आपके यहाँ पर कर्लिंग है और आप चाहते हैं कि हम आपको कोई दवाई रिकमेंड करें, तो देखिए बहुत सारी दवाइयाँ बाजार में हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको रस चूसक कीटों के लिए स्प्रे करना होता है, जिसमें आप एक टेक्निकल आता है टोल्फेनपाइराइड 15% EC फार्म में।
आप इस टेक्निकल का अगर उपयोग करते हैं तो ये जो थ्रिप्स है और वाइट फ्लाई इस प्रकार के रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल करेगा और पौधे को रस चूसक कीटों से बचाएगा। इसी के साथ में हमको किसी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का या फिर जैसे हमने बताया मल्टीप्लेक्स का आर्थोसिल, अगर आप इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको आपके पौधे में सुधार देखने को मिलेगा। उसी के साथ में क्या होता है किसान भाई, हम ड्रिप से एनपीके तो खूब चलाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 19-19-12-61, उसके बाद में 0-34 और कई सारी ग्रेडें हम चलाते हैं, लेकिन जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनको हम मिस कर जाते हैं। 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिसमें से हम 5 या 6 पोषक तत्व पौधे को दे पाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो हमको चिलेटेड फॉर्म में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी उपयोग करना पड़ेगा जो कि आपके पौधे को ग्रोथ अच्छी देगा और उसमें अच्छी बढ़वार मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और आप कम खर्चे में आपकी फसल को स्वस्थ तंदुरुस्त रखकर आने वाले समय में अच्छा लाभ लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।